एज अ फीमेल हमारे लिए ये फील्ड जो है वो बहुत ही परफेक्ट है। अमेजोन हमें हमारी प्रोडक्ट की जो स्पॉन्सर्ड एड्स होती है उनकी अगेंस्ट हर क्लिक पे हमसे चार्ज करता है। 3 types ऑफ कैंपेन्स होती है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज़ स्पॉन्सर्ड एड, द सेकेंड इज़ स्पॉन्सर ब्रांड्स, और थर्ड हमारे पास होती है डिस्प्ले एड्स। 70% सेलर्स होते हैं अमेजोन के वो स्पॉन्सर्ड एड्स को यूज़ करते हैं। मेरी एवरेज मंथली अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह 85,000 से लेकर 1 lakh। अगर हमारा लिंक टॉप पे शो नहीं हो रहा तो हमें अपनी बिड्स को इंक्रीज करना होता है। फीमेल विंग्स और साकिब की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि फीमेल्स जो हैं वो घर बैठ के अपनी अर्निंग कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये PPC एक्सपर्ट हैं और इन्होंने पिछले 1 साल से इनेबलर्स को ज्वाइन किया हुआ है और इनेबलर्स के साथ मिलकर काम करी हैं। हम इनसे जानेंगे कि PPC जो है पे पर क्लिक ये किस तरह से काम करती है और हम अपने लिंक्स को टॉप पे रखने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और किस तरह से इसमें मज़ीद काम किया जा सकता है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफा बतूल साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने ई कॉमर्स का रुख किया, आप उससे पहले अपना भी कोई काम कर रही थी, लेकिन फिर आप ई कॉमर्स की तरफ कैसे आई? जी, मैं पहले अपनी स्टडीज़ कर रही थी। स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद यही था कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें यह कि नेटवर्क पे सर्चिंग की, ड्यूरिंग द सर्चिंग जो है वो कासिम अली शाह प्लेटफॉर्म की मैंने सर साकिब अज़हर का इंटरव्यू देखा, वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि एज अ फीमेल हमारे लिए ये फील्ड जो है वो बहुत ही परफेक्ट है और घर रह के हम जो है वो अपना काम भी कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हुआ। उसके बाद फिर मैंने इनेबलर्स के ग्रुप्स को ज्वाइन किया, वहाँ से लर्निंग स्टार्ट की, जो क्यूरीज होती थी उनको भी रीड आउट करती रही, और फिर इस तरह जाके फिर नेक्स्ट जो ट्रेनिंग आई हमारी शॉर्ट कोर्सेज की साकिब अज़हर की तरफ से फीमेल्स के लिए, फीमेल विंग में स्पेशली, तो फिर उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ PPC में। अच्छा जी, PPC के लिए फिर मैंने इनरोलमेंट की और फिर मैंने ट्रेनिंग ली और फिर उसके बाद PPC की सर्विसेज दे रही हूँ। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप प्राइवेट लेबल की खास तौर पे सर्विसेज देती हैं PPC के हवाले से जी। तो ये PPC बेसिकली पे पर क्लिक किस तरह से काम करता है? टेक्निकली मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ना हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये किस तरह से काम करता है। PPC विच इज पे पर क्लिक, जैसे कि नाम से ही पता है कि अमेजोन हमें हमारी प्रोडक्ट की जो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं उनकी अगेंस्ट हर क्लिक पे हमसे चार्ज करता है। सही। और वो चार्ज हम अपनी कीवर्ड्स के अगेंस्ट उन पर बिड्स देते हैं, और प्लेसमेंट्स जो भी हम जब वो रखते हैं अपनी कैंपेन्स में उसके अकॉर्डिंग वो हमसे हर क्लिक पे चार्ज करता है। सही। PPC जब हम कैंपेन्स क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि उसमें सबसे पहले स्पॉन्सर्ड एड्स है, सेकंड में उसमें आता है कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, एंड थर्ड डिस्प्ले ब्रांड्स। उसमें जो मोस्ट सेलर्स होते हैं वो सबसे पहले फर्स्ट जो टाइप है स्पॉन्सर्ड एड्स वो यूज़ करते हैं। उसमें भी हमारे पास फर्दर जो है वो 2 types होती है, मैनुअल कैंपेन आती है उसमें और ऑटोमेटिक कैंपेन आती है। जब हम मैनुअल कैंपेन की बात करते हैं तो उसमें हम कीवर्ड्स देते हैं अमेजोन को, लाइक हम उसको अमेजोन को खुद कमांड दे रहे होते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अगेंस्ट टॉप पे शो करें, और फिर टॉप पे अगर हमारी नहीं शो हो रही होती तो फिर हम उसको बिड्स को इंक्रीज़ करते हैं। स्लोली हम बिड्स को इंक्रीज़ करके चेक करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अब फर्स्ट पेज पर शो हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए हमारा ये है कि हम सबसे पहले एक टूल यूज़ होता है, अमेजोन डाटा चेकर है, उसमें जी रैंक चेकर, उसके हिसाब से हम ये चेक करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कौन से पेज पे शो हो रही है। फिर जब हम स्लोली स्लोली प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक होती है तो फिर हम उसकी बिड्स को स्लोली इंक्रीज़ कर देते हैं। मैम, कैंपेन्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं बेसिकली? 3 types ऑफ कैंपेन्स होती है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज़ स्पॉन्सर्ड एड, द सेकेंड इज़ स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, और थर्ड हमारे पास होती है डिस्प्ले एड्स। जो 70% सेलर्स होते हैं अमेजोन के वो स्पॉन्सर्ड एड्स को यूज़ करते हैं, और स्पॉन्सर्ड एड्स में हम जब न्यू लॉन्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमें ऑटोमेटिक कैंपेन रन करनी होती है। ऑटोमेटिक कैंपेन में हम अमेजोन को ये कमांड देते हैं कि वो अपनी चॉइस पे हमारी प्रोडक्ट उन कीवर्ड के अगेंस्ट टॉप पे शो करे कि जो हमारी लिस्टिंग में यूज़ हो रहे हैं, जो हमारे टाइटल में यूज़ हो रहे हैं, जो हमारी डिस्क्रिप्शन में यूज़ हो रहे होते हैं। फिर उससे हमें ये होता है कि हमारे पास न्यू कीवर्ड्स आते हैं और फिर उन पर हम मैनुअल कैंपेन्स रन करते हैं। उसके अगेंस्ट वो हमारे पास अपनी प्रोडक्ट के जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उन पे हम अपनी मैनुअल कैंपेन रन कर सकते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी एवरेज मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? मेरी एवरेज मंथली अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह 85,000 से लेकर 1 lakh तक। ठीक है, तो ये कितना टाइम आपको लगा अर्निंग के फेज में आने तक? आफ्टर द ट्रेनिंग जो है वो मुझे हैंड्स ऑन मैंने स्टार्ट किया, हैंड्स ऑन लिया, उसके बाद क्लाइंट्स जो जब मेरे ट्रेनिंग आफ्टर द ट्रेनिंग मुझे क्लाइंट्स आने शुरू हुए
और फिर ही मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई। अच्छा, जब पीपीसी की अगर हम बात करें तो हमने अगर अपनी लिंक को या अपनी वेबसाइट को अगर हमने फर्स्ट पेज पे रखना हो जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होता है? गूगल भी हमारे जो क्लिक के अगेंस्ट हमसे चार्ज करता है जस्ट लाइक अमेजोन, ठीक है। उसमें भी हमें यही करना होता है कि हम अगर हमारा लिंक टॉप पे शो नहीं हो रहा तो हमें अपनी बिड्स को इंक्रीज करना होता है, अपनी प्लेसमेंट्स को इंक्रीज करना होता है, और साथ हमें चेक करना होता है कि अगर हमारी जो लिंक है, जो हमारी वेबसाइट का लिंक है, वो अगर टॉप पे शो हो रहा है तो फिर आप उससे जो फर्दर इंक्रीजमेंट ना करें, वहीं पर अपनी जो बिड्स है उसको स्टॉप करें और फिर हम नेक्स्ट शो। अच्छा, इनिशियली फर्स्ट स्टेप पे हमें कैसे पता चले कि हम जो बिड लगा रहे हैं वो ज़्यादा है या कम है, उसका कंपैरिजन या वो हमें कैसे, वो फिगर एक कैसे मिलती है? स्टार्ट में हम अगर तो अमेज़ॉन की बात करें, अमेज़ॉन की कैंपेन्स की बात करें, तो अमेज़ॉन हमें एक रेंज देता है जो हमारे पास बिड्स की रेंज होती है। लाइक अगर कोई कीवर्ड है हमारे पास, कि जैसे स्पेशुलर आप एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें यह है कि हमें जो अमेज़ॉन है वो एक रेंज देता है कि 0.25 से लेके जो सेलर्स हैं वो $2 तक उसकी रेंज पे बिड्स लगा रहे हैं, और अमेज़ॉन हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप 1.50 की बिड लगाएं, फिर हम 1.50 से या 1.60 से स्टार्ट कर सकते हैं और हम अपनी जो प्रोडक्ट की रैंकिंग जो पोजीशन है उसको चेक कर सकते हैं। फिर अगर हमारी प्रोडक्ट स्टार्ट में नहीं शो रही फर्स्ट पेज पे, तो फिर हम इनिशियली उसकी जो बिड्स हैं उसको इंक्रीज करते हैं स्लोली, एंड देन हमारी प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट पेज पे शो हो रही होती है। मैम, इनेबलर्स का एनवायरनमेंट और इनका सपोर्ट सिस्टम, खासतौर पे ये जो ख्वातीन के लिए काम कर रहे हैं, अभी इन्होंने फीमेल विंग भी बनाई हुई है, वो आपको कैसा लगा? फीमेल विंग सर साकिब की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि फीमेल्स जो हैं वो घर बैठ के अपनी अर्निंग कर सकती हैं, उसको घर बैठ के सीख सकती हैं और उसमें काम कर सकती हैं। और इन्वायरमेंट की जहाँ तक बात है, इन्वायरमेंट वो बहुत अच्छा है इनेबलर्स का, जस्ट ट्रेनर्स फ्रेंडली हमारे साथ जो है वो ईजिली बात कर सकते हैं, हम ट्रेनर्स के साथ ईजिली कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, और हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है अगर हम वहाँ पर कोई क्वेश्चन अपने ट्रेनिंग से करते हैं तो विद इन एन आवर हमें जब उसका रिप्लाई दिया जाता है। अगर हम कहीं पर स्टक हो जाते हैं तो वेरी फास्ट वे हमें जब उसका सलूशन दिया था, हमारी हेल्प की जाती है। मैम, जो लोग आना चाहते हैं ई कॉमर्स में, ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन आना चाहती हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी कि वो फर्स्ट स्टेप क्या लें, किस तरह से ई कॉमर्स को ज्वाइन करें और आके अपना काम करें? सबसे पहले अगर फीमेल्स ई कॉमर्स में आना चाहती हैं तो वो उससे पहले अंडरस्टैंड करें कि क्या वो इस फील्ड के लिए परफेक्ट हैं, अगर उनमें वो एबिलिटीज़ हैं जो कि ई कॉमर्स की रिक्वायरमेंट्स है। ई कॉमर्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, आपको उस चीज़ के हार्ड वर्किंग के साथ काम करना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आपके पेशेंस है और आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हैं, तो फिर मोस्ट वेलकम आप ई कॉमर्स को ज्वाइन करें। और अगर वो उनको सेल्फ डिस्कवरी में थोड़ा मसला आ रहा है, मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि किस फील्ड को हम चूज़ करें ई कॉमर्स की, तो उसमें आप क्या उन्हें गाइडलाइन देंगी कि वो किस तरह से अपने स्किल्स को चेक करें? उसमें हमारे पास EVS प्रोवाइड है सर साकिब की तरफ से, आप वीडियोस देखें, EVS लॉगिन्स जो हैं वो लें, अप्लाई करें और फिर आप वीडियोस देखें। उसमें हमारे पास बहुत सी कैटेगरीज हैं, आप उनको चेक करें कि आप कौन सी फील्ड में परफेक्ट ईजिली काम कर सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट उसमें कोर्स में इनरोल हो जाएं। अच्छा, अगर कोई खातून हमारा इंटरव्यू देख रही है या कोई बच्ची और वो चाहती है कि मैं ई कॉमर्स में आके अर्निंग स्टार्ट करूं, तो सबसे आसान फील्ड कौन सी है जिसमें आपके ख्याल में कि अगर कोई भी आ जाए तो वो अर्निंग कर सकता है, वो कौन सी फील्ड है? सबसे आसान देखिए, स्टार्ट में आपको थोड़ी सी मुश्किल आती है, अगर आप PPC की बात करें तो आपको इसमें स्टार्ट में तो लगेगा कि ये नहीं समझ आएगी आपको, लेकिन आप जस्ट उसको स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर जिससे आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएंगे और फिर आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। फीमेल स्पेशली PPC की जो ट्रेनिंग है उसमें एनरोल करके अगर वो उसमें एक्सपर्ट हो PPC में, तो वो इजीली अपनी पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकती हैं और उसमें काम कर सकती हैं। अच्छा, साकिब अजहर साहब का एक विजन है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं और वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, तो उनके विजन को, उनके काम को आप कैसे देखती हैं? सर साकिब का विजन हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा है और एक साकिब अजहर का एनेबलर जो प्लेटफॉर्म है वो स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं और इससे आप अपनी कंट्री को की भी हेल्प कर सकती हैं, ताकि अगर जो आप काम करती हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल है कंडीशन है कंट्री की, उसमें आप अपना रोल जो है प्ले कर सकते हैं इजीली। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफा बतूल साहिबा आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं, बिलखसूस PPC के हवाले से इन्होंने बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की, और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम बिड लगाते हैं, वो क्या रेंज होती है, क्या फिगर्स होती हैं, उनको चेक करना, मॉनिटर करना और फिर आगे अपने प्रोडक्ट को जो है उसकी मार्केटिंग करना, वो किस तरह मुमकिन और पॉसिबल है, जो लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।